गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं सैनी। सैनी से फिर बहुत सारी जगह जाएंगे। तो मेरे साथ हैं राज, राज तो रहेंगे ही, साथ में हैं भैया, भाभी, गोलू, किट्टू, अंश और एंजल। तो बस हम लोग अभी यहाँ से निकले हैं और एक घंटे में पहुँच जाएंगे सैनी। तो अभी देखो हम लोग सैनी आ गए हैं और यहाँ सब वही चल रहा है, गुजिया, पापड़, मठरी, ब्ला ब्ला ब्ला। और किट्टू हाई कर रही है, फिर आदि भी आ गया, उसने भी हाई हेलो किया। और अभी यहाँ पे अंश ने पहन लिया है अपने दादाजी का लोअर और टी शर्ट, क्योंकि उसको खेलनी थी होली। और उसके बाद फिर यहाँ देखो गोलू का फिर चालू हो गया और वो इतनी ना भयानक तरीके से गुलाल लगाता है कि बस उसके बाद तो नहाना ही बाकी रह जाता है। तो बस यहाँ पे भी हम लोग सबको गुलाल उलाल लगा के, और ये हैं मेरे देवर दिलीप भैया, और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं होली। तो और दिलीप भैया इसमें स्प्रे कर रहे हैं ताकि बच्चों को भी इंजॉय हो जाए। किट्टू, एंजल, अंश और आदि अब ये चारों होली खेल रहे हैं। दिलीप भैया साथ में आओ, सब लोग पहले जाओ, फिर आ जाना। चलो अंश, किट्टू आओ, सब लोग तो अभी यहाँ सबसे मिलना हो गया। साथ में ये मैंने फैमिली फोटोग्राफ्स भी डाली है। और उसके बाद फिर अब चलते हैं भाभी के मायके गोरियों, जो कि पड़ता है जलालपुर के एकदम बगल में। तो बहुत टाइम हो गया, मतलब हम लोग नहीं गए हैं, जब से सत्यम की वजह से भाभी भी नहीं जा पा रही थी, रक्षाबंधन में ही थोड़ी देर के लिए गई थी। तो फिर आज ये हुआ कि चलो वहाँ भी चलते हैं। और किट्टू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी नानी घर के लिए। तो बस वो हम लोग पहुँच गए हैं अभी यहाँ पे। अरे हमारे विधानसभा में कई बार लड़े थे, शायद जहाँ से घर था, कम से कम तीन बार चुनाव लड़े, लेकिन तीनों बार हारे, लेकिन बंदा हर मोहल्ला जाता था। तो अभी किट्टू मुझे पूरा फोर्थ फ्लोर तक ले गई, उसको पता नहीं क्या था, बोली बुआ छत पे जाना है, छत पे जाना है। तो फिर वहाँ से हम लोग आए और यहाँ भी सबसे गुलाल से मिलना मिलाना हो रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर हमको एक और जगह जानी है, मतलब चाची, सॉरी भाभी के चाची के यहाँ, जो कि जस्ट बगल में है। तो ये देखो, देखो इस बदतमीज को, इसने फिर ना नीतू को एकदम कस के लगा दिया है गुलाल। और उसके बाद फिर जहाँ भी हम लोग जा रहे थे, इस बार ना साथ में एक फ़ोटोग्राफ ज़रूर खिंचवा रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए चाची जी के यहाँ। तो यहाँ भी गोलू को मिल गई एक और प्रिटी गर्ल, जो बिल्कुल नहा धो के आई थी, और उसने ना उसको भी एकदम रंग दिया, मैचिंग का कलर लगाया है एकदम ड्रेस से मैच करके। हाँ ठीक है, जीजू क्या है, जीजू नहा के ये अभी आई है, अभी ये नहाई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जलालपुर में मेरी बहुत ही बड़ी फैमिली है, तो सबसे बड़े बड़े पापा के यहाँ हम लोग आ गए, एंड ये भाभी हैं। तो भाभी को भी गोलू ने लगा दिया। उसके बाद फिर दूसरे बड़े पापा के यहाँ गए, तो वहाँ एक और भाभी थी, उनको भी इसने लगा दिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे, ये मेरे दोनों भतीज और भतीजे हैं, गाँव में रहते हैं, तो इनको भी हम लोगों ने लगाया। और उसके बाद जो है, अभी देखो गोलू यहाँ पर ना इंतज़ार कर रहा है भैया का, और वो एकदम गुलाल लेके रेडी था। जैसे ही भैया आए, उसने ना उनको भी रंग दिया। और जलालपुर आए हैं और वहाँ मंकी ना दिखे, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बस हम लोग बैठ के स्नैकिंग कर रहे थे, तभी ये मंकी आ गया, तो मैंने इसको दे दिया पापड़ और ये इसने बस एक ही खाया। उसके बाद मैंने एक और दिया, बट इसको फिर थोड़ा सा डाउट हुआ, कहीं ये लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले, तो इसलिए ये भाग गया। गोलू के मैचिंग की, गोलू इसके अंदर तुम आ सकते हो यार। तो अभी हम लोग एक और चाचा के घर आए हैं और यहाँ पे मुलाकात हो गई राहुल की, जो कि नागपुर से आया है और वो भी चाचा का बेटा है। बिल्कुल लगाइए, लगा के खड़े हो जाइए, चाचा एकदम चमक रहे हैं।
और ये है मेरे छोटे चाचा, इनको तो आप लोग जानते ही हो। और यहाँ पे अभी हम लोग आ गए थे छोटे चाची के यहाँ, तो यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे निकल रहे थे, तो भूख भी लग गई थी क्योंकि सुबह से ना गुजिया ये से मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा सा खा रहे थे तो मज़ा नहीं आ रही थी। और यहाँ पे मिले गर्मा गर्म समोसे तो हम लोगों ने खाया। और ये सारे बच्चा पार्टी को मैं बाहर बुला रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ोटो क्लिक करानी थी, और ये सारे अंदर बैठ के गेम खेल रहे थे कमरा बंद करके, मैं सबको खींच के लाई हूँ। और यहाँ पे हमने फिर से कराया एक और फ़ोटोशूट। तो अब मैं आ गई हूँ बड़ी चाची के यहाँ, और पीछे जो फ़ोटो है वो मेरे बाबा जी की है। और यहाँ पे जो है रोमा को रंगा जा रहा है, उसके बाद फिर यहाँ भी हमने फ़ोटो क्लिक कराई। और अब ये सब आ गए हैं यहाँ छत पे, और यहाँ पे तैयारी हो रही है कलर खेलने की क्योंकि कल भी हमने कलर नहीं खेला था, और राज को भी मन था, और रोमा दिव्या ये सब भी एकदम रेडी थी। तो बस यहाँ बड़े से टब में कलर घोला गया और बीच बीच में चेक किया जा रहा था गाढ़ा है कि नहीं है। उसके बाद किट्टू को डाल दिया गया टेस्टर की तरह, और उसको निकाला गया तो कलर कम लग रहा था तो फिर से कलर डाला गया। और अभी पहले भाभी को लाया गया, और भाभी ने यार इतना दिमाग लगाया, पता है उन्होंने हाथ में पूरा एकदम तेल लगाया था, और सर पे जो है उन्होंने पॉलीथीन लगा ली थी ताकि उनको ना कलर सर पे ना जाए। और यहाँ पे ये लोग भयंकर उनको नहला रहे हैं। उसके बाद ये रोमा की बारी, इसको तो सीधा इन्होंने टब के अंदर ही डाल दिया, और उसके बाद फिर मग से इसको पूरा नहलाया गया। और कलर आप देख सकते हो और कितना ज़्यादा डार्क है, ओ माय गॉड। तेरी की चलो दिव्या, दिव्या आओ खुद ही बैठ जा, दिव्या दिव्या। तो यहाँ रोमा की बारी हो गई, अब उसके बाद दिव्या की बारी थी। तो दिव्या ने जो है सूखा वाला कलर छिपा दिया था, बट रोमा ने ढूंढा, उसको मिला नहीं, बट पता नहीं कहाँ से उसको मिल गया ग्रीन कलर, और इसने ना इसके सर से डाल दिया ग्रीन कलर। और ओए बाप, दिव्या इधर देखो इधर, अरे भाई अरे देखो, एक ही तो यहाँ पे अच्छा खासा शो चल रहा है। चलो भाई शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो जल्दी से यार, बहुत लेट लगती है यार। तो अब बारी थी राज की, और दोनों सालियों ने मिल के राज का जो हाल किया, पहले तो इन लोगों ने गीला कलर खूब डाला, जितना टब में बचा था उसमें सब डाल दिया। उसके बाद फिर फेस में लगाने के लिए राज इतना मना कर रहे थे, बट ये लोग कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि दिव्या को लगा था तो दिव्या तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली थी। तो आज सच में बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने में मज़ा आई, दर्शक देखो कहाँ कहाँ खड़े हैं। भाई तुम भी बोल दो, दर्शक हो तो क्या हुआ। हैप्पी होली। तो अभी सबने होली खेल लिया, उसके बाद नहाना धोना हो गया, उसके बाद अब हम लोग गांव आए हैं। तो भाई खेत तो जाना बनता था, तो हम लोग आ गए हैं खेत, और ये देखो यहाँ पे है पूरा कद्दू का पेड़। तो मैं जब अगली बार आऊँगी तो आपको बहुत सारा कद्दू देखने को मिलेगा। और इधर सामने है लहसुन और प्याज, पूरा एकदम रेडी हो गया है, थोड़े दिन में रेडी हो जाएगा। और इधर सामने पूरा तरबूज लगा हुआ है। तो मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, मई में आई थिंक मैं जाऊँगी, तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और अभी मैं आ रही हूँ, और आज मैंने ये वाली स्कर्ट नहीं है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे टास्क इन लोगों को दिया गया है पत्ती बिनने का, जल्दी जल्दी बिनो, जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स अभी ये हो रहा एकदम भुनने के लिए रेडी है, दोनों भाई लगे हुए हैं इसको भूनने में, आग जलाने में, और इसको पत्तियों में भूंजा जाएगा। ये है पत्ती, और ये है वो पेड़ जिससे ये पत्ती यहाँ आई, यहाँ से यहाँ गई। आप लोग क्या कर रही हैं भाई? हम लोग खा रहे हैं ब्लैक ब्लैक गुमचुइया। ओह, एक गुमचुइया और गुमचुइया, लेकिन ये ग्रीन ग्रीन है। मेरे पास ग्रीन ब्लैक दोनों है। तो अभी चने में आग लग चुकी है और होरा भुनने के लिए एकदम रेडी हो गया है। तो बस भैया और सत्यम दो लोग ही भून रहे हैं क्योंकि हम लोगों को तो आता है नहीं, हम लोग तो बस खाने वालों में से हैं, भूनने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पे भूंजा जा रहा है, और ये बहुत ही जल्दी भून जाता है, 5-7 मिनट में आई थिंक भून जाता है, हार्डली 10 मिनट लगते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं, बट उसके लिए आपको एक सेकंड भी हटना नहीं रहता है। तो यहाँ भून तो गया है, बट इसको ना साफ़ करने के लिए हम लोग कुछ लाए नहीं थे, तो फिर ऐसे ही हम लोगों को बिन बिन के खाना पड़ रहा था। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग इसको करते हैं एंजॉय, और इसके बाद फिर हम लोग वापस जाएंगे इलाहाबाद। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे होता है एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर हिट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।